यदि सपने में आप कुछ खाएं तो इसका मतलब है कि कोई परेशानी चुपचाप आपको पकड़ेगी। यदि ये रिपीटेड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक आध बार देखने से नहीं, लगातार ये आ रहा है, अनेक बार ऐसा सपना आ रहा है, तो इसके लिए अर्थ जानिएगा। मृत व्यक्तियों के साथ भोजन करना भी अच्छी निशानी नहीं है। यदि ऐसा है तो 11 दिनों तक अपने पितरों को भोजन अर्पित करें अथवा उपवास करें तथा प्रातःकाल अपने पितरों को जल से श्रद्धांजलि भी दें। महामृत्युंजय की माला 11 दिनों तक कर लें। हमारे वेदों में रोग मुक्ति वाले स्वप्न भी हैं, अर्थात अगर सपने में आप कुछ खास वस्तुएं देखते हैं तो उससे रोग मुक्ति मिलती है। सपने में दही देखना रोग मुक्ति का संदेश माना जाता है। इसी तरह पूजा की अग्नि, बताशे व लड्डू, बछड़े के साथ गाय, हंस, पकता हुआ घी देखना भी रोग मुक्ति का लक्षण माना जाता है। सपने में वनस्पतियों को देखना भी स्वास्थ्यप्रद माना गया है। जैसे अगर व्यक्ति सपने में सरसों के खेत या फिर गन्ने के खेत देखता है तो ये निरोगी होने का लक्षण माना गया है। वही रोगी व्यक्ति अगर कल्प वृक्ष या गूलर का पेड़ देख ले तो उसे रोग से मुक्ति का संदेश माना जाता है। इसी तरह ढेर सारे लोगों को मेले में जाते हुए देखना या फिर ढेर सारा गोबर देखना, घर में खेत देखना या शंख देखना अथवा सुनना भी रोग मुक्ति का लक्षण माना गया है। मंदिर में घंटे सुनना, आरती होते हुए देखना, गुरु द्वारा भजन गाना या अपने घर में पूजा करना और ईश्वर, माँ या गुरु द्वारा आपको संदेश देना भी रोग मुक्ति का कारक माना गया है।